व्यूअर्स, इस आदमी ने अपनी मरी हुई वाइफ को जिंदा करने के लिए उसकी सारी यादों को एक एडवांस एआई रोबोट में ट्रांसफर कर दिया था। लेकिन एआई से कनेक्ट होने के बाद जो रोबोट तैयार होता है उसने उस आदमी के साथ कौन कौन सी भयानक चीजें की, इस बारे में तो पता करना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत में हमें जॉर्ज नाम का एक बहुत ही इंटेलिजेंट साइंटिस्ट दिखाया जाता है जो एडवांस से एडवांस रोबोट बनाने में काफी ज्यादा माहिर था। जॉर्ज को एक बहुत ही बड़ी प्राइवेट कंपनी से सबसे एडवांस एआई रोबोट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। जॉर्ज ने उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करके उसके ऊपर काम करना भी स्टार्ट कर दिया था। इसीलिए कंपनी वालों ने जॉर्ज के लिए एक बहुत ही बड़ी लेबोरेटरी बनाई थी जो कि जंगलों के एकदम बीचों बीच होती है। ये सारी चीजें इसीलिए की गई थी ताकि जॉर्ज अपने एक्सपेरिमेंट पर फुल फोकस कर सके। अब जॉर्ज हमेशा की तरह जॉगिंग करके अपनी लेबोरेटरी में आ जाता है। जॉर्ज ने अब तक J1 और J2 नाम के दो एडवांस रोबोट बना लिए थे। J1 में इमोशन से लेकर डेटा एनालाइजिंग पावर काफी अच्छी थी, पर वहीं J2 J1 का एडवांस वर्जन था, यानी कि J2 के अंदर जितनी भी सारी फैसिलिटीज थी वो J1 से एक लेवल अप होती हैं। पर फिर भी जॉर्ज पता नहीं क्यों इन सारी चीजों से सेटिस्फाई तो लग ही नहीं रहा था। अब जॉर्ज अपनी वाइफ जूलिया के साथ वीडियो कॉल पर बातें करता रहता है। जॉर्ज के इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से वो अपनी वाइफ के साथ मिल नहीं सकता था। दरअसल जॉर्ज का ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट लगभग 3 सालों का होता है जिसमें से 2.5 साल अभी तक बीत चुके थे। जॉर्ज तो काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी लगता है क्योंकि वो अपनी वाइफ को टाइम ही नहीं दे पा रहा था। अब जॉर्ज यहाँ पर अपने सीनियर सिमोन से बात करते रहता है जो जॉर्ज से उसके काम का अपडेट ले रही थी। दरअसल सिमोन जॉर्ज के काम से खुशी नहीं थी क्योंकि 3 सालों में से 2.5 साल बीत जाने के बाद भी जॉर्ज सिर्फ एक एआई नॉर्मल रोबोट J1 को बना पाया था, लेकिन उनकी कंपनी को और भी ज्यादा एडवांस रोबोट चाहिए। इससे हमें पता चलता है कि जॉर्ज ने सिमोन को J2 के बारे में कुछ बताया ही नहीं है, मतलब कि जॉर्ज साथ ही साथ अपने पर्सनल प्रोजेक्ट पर भी काम कर रहा था। और अगर ये बात सिमोन और कंपनी वालों को पता चल गई तो वो उसका आइडिया हमेशा के लिए चुरा लेंगे। और अब सिमोन जॉर्ज को वार्निंग देकर जाती है कि अगर उसने आने वाले 6 महीनों में इस प्रोजेक्ट को कम्प्लीट नहीं किया तो वो जॉर्ज को जॉब से निकाल देगी। कॉल खत्म होने के बाद जॉर्ज उस लेबोरेटरी में चला गया था जहाँ पर वो एक बहुत ही पावरफुल एआई रोबोट तैयार कर रहा था, पर इस बारे में जॉर्ज की कंपनी को कुछ अंदाजा ही नहीं होता। जॉर्ज इस वक्त जिस एडवांस एआई रोबोट पर काम कर रहा होता है वो बाकी 2 एडवांस रोबोट्स का अपर वर्जन है, जैसे कि J1 जिसका दिमाग एक बच्चे जैसा है उसकी दिमाग की क्षमता 10% तक ही है, वहीं J2 जिसका दिमाग एक टीनेजर जैसा है और अभी तक उसके दिमाग का 40% हिस्सा ही एक्टिवेट हुआ है। और अब बारी आती है जॉर्ज के एकदम लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट J3 की, जो पूरा का पूरा हम इंसानों जैसा ही सोच सकती थी, यहाँ तक कि वह अपने दिमाग की क्षमता को 100% तक लेके जा सकती थी। जॉर्ज ने J3 AI रोबोट का इंटरनल सिस्टम खत्म कर लिया था, बस अब उसके ऊपरी पार्ट्स को लगाना बाकी था। इन तीनों रोबोट्स की इमोशंस और दिमागी क्षमता का अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि J3 के आने से J1 और J2 पर क्या फर्क पड़ा था। हालांकि J1 एक बच्चा होने की वजह से इस बारे में ज्यादा सोचता नहीं, पर J2 जो कि एक टीनेजर था वो J3 को देखकर लिटरली जलने लगता है क्योंकि अब जॉर्ज अपना आधा से ज्यादा टाइम J3 के डेवलपमेंट में लगाता था। पर ये बात J2 को जरा भी पसंद नहीं आती। J2 सोच रही थी कि J3 के आने के बाद जॉर्ज उसे रिप्लेस कर देगा और ये इनसिक्योरिटी J2 के माइंड में हमेशा घूमती रहती है। अब जॉर्ज देखता है कि उसके लेबोरेटरी के सामने 2 कार्स आ गई हैं। गाड़ी के अंदर डॉक्टर क्लेयर और उसके कुछ लोग थे। डॉक्टर क्लेयर यहाँ पर जॉर्ज की वाइफ जूलिया को देखने आए थे क्योंकि जूलिया के वीडियो कॉल का कनेक्शन जॉर्ज को प्रॉपरली मिल नहीं रहा था। और तब जाकर इस कहानी का मेन प्लॉट रिवील होता है। दरअसल जॉर्ज की वाइफ जूलिया 3 साल पहले मर चुकी थी और जिस वीडियो कॉल से जॉर्ज बात किया करता था वो जूलिया की कॉन्शियसनेस थी। दरअसल डॉक्टर क्लेयर और उसकी पूरी कंपनी मरे हुए लोगों के दिमाग में से उनकी कॉन्शियसनेस बाहर निकाल कर एक ब्लैक एडवांस डिवाइस के अंदर डाल देते थे जिससे मरने वाले के परिवार वाले कई सालों तक उनसे बात कर सके। जॉर्ज ने भी अपनी मरी हुई वाइफ के साथ कुछ ऐसा ही करवाया था, उसने जूलिया की कॉन्शियसनेस एक डिवाइस में डलवा दी थी। पर अब कुछ दिनों से जॉर्ज को जूलिया से बात करने में काफी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन वहाँ पर कोई भी नेटवर्क प्रॉब्लम तो था ही नहीं। जब डॉक्टर क्लेयर और उसके साथी उस मशीन को एग्जामिन करते हैं तब उन्हें ये पता चलता है कि उस डिवाइस में से किसी ने जूलिया की यादों के साथ छेड़छाड़ की है। वो दोनों तो जॉर्ज पर ही शक कर रहे थे और अगर जॉर्ज ने ऐसा किया होगा तो ये इलीगल माना जाएगा और उसे कई सालों की सजा भी हो सकती थी। लेकिन डॉक्टर क्लेयर जॉर्ज को कुछ नहीं बोलते और अपने लोगों को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। तब जाकर हमें ये बात पता चलती है कि जॉर्ज ने ही उस डिवाइस में से जूलिया की कॉन्शियसनेस को कॉपी कर लिया था।
जॉर्ज ने जूलिया की कॉन्शियसनेस का यूज करके अपने तीनों एआई रोबोट्स को बनाया था और अब जॉर्ज लगातार J3 के डेवलपमेंट में लग जाता है। कई सारे ट्रायल करने के बाद J3 लगभग तैयार ही हो गई थी। अब तो जॉर्ज ने J3 को एक्टिवेट भी कर दिया था और वो तो एकदम इंसानों जैसा ही बिहेव कर रही थी। J3 तो बड़ी आसानी से J1 को दोस्त बना लेती है क्योंकि J1 का दिमाग एक बच्चे की तरह था, इसीलिए वो J3 के साथ काफी घुल मिल गया। पर J2 J3 को इस हालत में देखकर उससे डिस्टेंस बनाए रखती है क्योंकि वो तो J3 से जल रही होती है। अब जॉर्ज देखता है कि उसके लेबोरेटरी के पास एक हेलीकॉप्टर आ चुका है जिसमें कि जॉर्ज की बॉस उसे कांटेक्ट करके बता रही थी कि उससे एक बिजनेसमैन मिलना चाहता है। इसीलिए जॉर्ज कुछ देर बाद अपने बॉस के दिए गए पते पर पहुंच जाता है जहां पर उसे वो बिजनेसमैन भी मिल गया था। बिजनेसमैन जॉर्ज से कह रहा था कि तुम्हें किसी बात का तो खतरा है, इसीलिए वो जॉर्ज को एक ब्रीफकेस देता है। बिजनेसमैन ने कहा कि बहुत ज्यादा मुसीबत पड़ने पर ही वो इसे खोले और अब जॉर्ज उस ब्रीफकेस को लेकर अपने लेबोरेटरी में जाकर सो जाता है। अब सोए हुए जॉर्ज को कुछ इमेजिनेशंस आ रही थी जिसमें कि वो अपनी वाइफ जूलिया के साथ कार में ड्राइव कर रहा होता है। ये तब का टाइम होता है जब जॉर्ज को ये कॉन्ट्रैक्ट पहली बार मिला था, लेकिन जब जॉर्ज ने जूलिया को ये बात बताई कि वो इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट के लिए 3 साल अलग रहेगा तब जूलिया इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। उन दोनों में इसी बातों पर बहस चलती रहती है तभी उनका अचानक एक कार से एक्सीडेंट हो गया था जिसमें कि जूलिया मारी जाती है और तभी से जॉर्ज ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो अपनी वाइफ की कॉन्शियसनेस का यूज करके एक रोबोट तैयार जरूर करेगा। अब तेजी से अलार्म बजने की वजह से जॉर्ज की नींद खुल जाती है। जब जॉर्ज अपने बेडरूम में देख रहा था तब वहाँ के सारे मिरर्स टूटे हुए थे जैसे कि किसी ने यहाँ पर हमला किया हो। जॉर्ज को अपने लेबोरेटरी में J3 मिलती ही नहीं, इसीलिए अब जॉर्ज हर जगह जाकर J3 को ढूंढने लगा था। वो तो लेबोरेटरी के बाहर भी जाकर चेक करता है लेकिन जॉर्ज के हाथ कुछ भी नहीं लगा था। इसके बाद जब जॉर्ज अपनी लेबोरेटरी में जाता है तभी अचानक से J3 ने उसके ऊपर हमला कर दिया था, यानी कि J3 लेबोरेटरी में ही छुपी हुई थी। J3 को जॉर्ज के बारे में कुछ ऐसी बातें पता चल गई होती हैं जिसके लिए वो जॉर्ज से काफी ज्यादा नाराज थी, पर जॉर्ज J3 को समझाता है और उसे असली रीजन पूछता है। दरअसल J2 ने J3 को ये सारी बातें बता दी होती हैं कि जॉर्ज उसके बॉडी के अंदर अपनी वाइफ की पूरी कॉन्शियसनेस डालने की कोशिश कर रहा है और अगर ये एक्सपेरिमेंट काम नहीं आया तो जॉर्ज J3 को छोड़कर J4 को बनाना स्टार्ट कर देगा। J3 जो कि अब पूरी तरीके से इंसानों की तरह सोच रही थी वो जॉर्ज के इस बिहेवियर के लिए काफी ज्यादा गुस्सा होती है। अब जॉर्ज J2 की इन सारी करतूतों की वजह से काफी परेशान हो चुका था, इसीलिए वो J2 को टेम्पररी पर्पस के लिए डीएक्टिवेट कर देता है। इसके बाद जॉर्ज को उसकी कंपनी से मेल आया था कि उनकी मैनेजर्स की टीम कुछ ही दिनों में वहां पर विजिट करने वाली है जिसमें कि वो जॉर्ज के बनाए गए रोबोट चेक करेंगे, इसीलिए अब जॉर्ज लगातार J3 को कम्प्लीट करने में लग जाता है। J3 तैयार तो हो गई थी लेकिन उसके पैर अभी तक लगने बाकी थे, तो इसीलिए जॉर्ज ने J2 के पैर निकालकर J3 में लगा दिए थे जिससे कि J3 प्रॉपरली चल पाएगी। जॉर्ज ने तो J3 के दिमाग में अपनी वाइफ की सारी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे डालना स्टार्ट कर दिया था। उसने तो J3 की पूरी बॉडी अपनी वाइफ जैसी ही बनाई थी और अब J3 एकदम रेडी हो जाती है अपने फर्स्ट ट्रायल के लिए। J3 तो जॉर्ज के एक्सपेक्टेशन से काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी और अब देखते ही देखते J3 इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाती है। जॉर्ज ने J2 को एक्टिवेट तो कर दिया था पर J2 पहले से काफी डिप्रेस फील कर रही थी। वो तो अब इस बात से और भी ज्यादा जेलस होने लगती है कि जॉर्ज अपना सारा टाइम J3 के साथ बिताता था। एक टाइम के बाद तो J2 इस कंडीशन को हैंडल ही नहीं कर पाती और पानी के अंदर ही जाकर अपने आप को खत्म कर लेती है। अब J2 के जाने के बाद जॉर्ज काफी मुश्किल में पड़ गया था क्योंकि अगर ये बातें कंपनी वालों को पता चल गई तब वो जॉर्ज को काम से निकालने के साथ साथ उसे जेल भी भेज देंगे। इसीलिए अब जॉर्ज J3 को अपने मेन लेबोरेटरी में लाकर उसके माइंड में अपनी जूलिया के सारे कॉन्शियसनेस 100% डालने का डिसाइड करता है। J3 के पास काफी अच्छी थिंकिंग पावर थी, इसीलिए वो कंडीशन को भाप लेती है कि जॉर्ज आखिर करना क्या चाहता है। तभी वहाँ पर जॉर्ज की बॉस का वीडियो कॉल आ जाता है और उसने तो J3 को देख लिया था। जॉर्ज की बॉस उससे काफी नाराज होती है लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी क्योंकि जॉर्ज ने अपनी वाइफ की कॉन्शियसनेस को चुरा लिया था, इसीलिए अलग अलग प्राइवेट कंपनीज ने उसके कंपनी पर केस डाल दिया होता है और इसीलिए वो ये प्रोग्राम बंद कर रही है। जॉर्ज की बॉस ने तो लेबोरेटरी के पास बहुत सारे मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स भेज दिए थे जो लेबोरेटरी को पूरा डिस्ट्रॉय करने के लिए रेडी होते हैं। यहाँ जॉर्ज को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या
क्या करे। तभी जॉर्ज को उस बिजनेसमैन का वो सूटकेस याद आता है जिसे कि जॉर्ज ने बिना कुछ सोचे समझे खोल दिया था। उसके अंदर और कुछ नहीं बल्कि एक गन होती है, पर जॉर्ज उस गन को लेता उससे पहले J3 ने गन हाथ में ले ली थी, जो पता नहीं क्यों जॉर्ज के ऊपर पॉइंट कर देती है। दरअसल जॉर्ज चाहता था कि वो जूलिया की सारी कॉन्शियसनेस J3 के माइंड के अंदर टोटली डाल दे, लेकिन इसकी वजह से J3 की थिंकिंग हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और उसके बॉडी में पूरी तरीके से जूलिया की कॉन्शियसनेस वापस आ जाएगी। पर ये बात J3 को मंजूर ही नहीं थी, लेकिन जॉर्ज बड़ी शांति से J3 को समझाता है कि उस रात जिस एक्सीडेंट में उसकी वाइफ जूलिया मारी गई थी वो जॉर्ज की गलती के वजह से हुआ था, और अब जॉर्ज अपनी इस गलती को सुधारना चाहता है, तो इसीलिए उसे कैसे भी करके अपनी वाइफ की कॉन्शियसनेस को एक्टिवेट करना ही पड़ेगा। काफी रिक्वेस्ट करने के बाद J3 मान जाती है जॉर्ज की हेल्प करने के लिए, और अब जॉर्ज ने अपनी वाइफ जूलिया की सारी कॉन्शियसनेस J3 के बॉडी में डालना स्टार्ट कर दिया था, जो देखते ही देखते कुछ टाइम बाद 100% ट्रांसफर हो जाती है। J3 को इससे काफी पेन हो रहा था, पर अब कुछ देर बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। J3 ने जब अपनी आंखें खोली तब वो पूरी की पूरी जूलिया बन चुकी थी। स्टार्टिंग में वो थोड़ी सी घबराई हुई होती है, पर जॉर्ज उसे आराम से काम डाउन करता है, और अब जॉर्ज ने बड़े प्यार से जूलिया को गले लगा लिया था। पर तभी जिस मशीन के अंदर जूलिया की सारी कॉन्शियसनेस थी उसमें से ही जॉर्ज के लिए एक कॉल आता है। जॉर्ज तो ये देखकर एकदम शॉक हो गया था, क्योंकि उसने तो जूलिया की सारी कॉन्शियसनेस J3 की बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर ली थी, तो फिर ये कॉल आखिर कहाँ से आ रहा था। जब जॉर्ज ने वो फोन कॉल उठाया तब उसके ऊपर लिटरली जूलिया बात कर रही होती है। जूलिया बोल रही थी कि ये उनका लास्ट कॉल है और इसके बाद वो उसे कभी कॉल नहीं कर पाएगी। जॉर्ज तो उस कॉल के ऊपर अपनी बेटी की आवाज सुन सकता है, लेकिन ऐसा आखिर हुआ कैसे। जॉर्ज की वाइफ तो सालों पहले एक्सीडेंट में मर चुकी थी, तो फिर उसकी बेटी आखिर कैसे पैदा हो गई। दरअसल सालों पहले हुए एक्सीडेंट में जूलिया की नहीं बल्कि जॉर्ज की मौत हुई थी, और सबसे बड़ी बात उस मशीन के अंदर जूलिया की कॉन्शियसनेस को नहीं बल्कि जॉर्ज की कॉन्शियसनेस को स्टोर किया गया था। इसीलिए हमेशा जूलिया ही जॉर्ज को कॉल किया करती थी, यानी कि जूलिया रियल लाइफ में अपनी बेटी के साथ एग्जिस्ट करती है और वो हमेशा की तरह जॉर्ज की कॉन्शियसनेस से बात किया करती थी। किसी भी इंसान की कॉन्शियसनेस को जिंदा रखने के लिए उसे एक पर्पस देना होता है, इसीलिए इस मशीन को बनाने वाली कंपनी ने जॉर्ज को जानबूझकर ये मिशन दिया जिसमें कि वो ये सोचे कि उसकी वाइफ की मौत हो गई है और उसे कैसी भी करके एक एडवांस रोबोट तैयार करना पड़ेगा जिसमें वो हमेशा के लिए अपनी वाइफ की कॉन्शियसनेस ट्रांसफर कर देगा। और जब जॉर्ज अपने इस मिशन में कामयाब होता है तब उसका टाइमलाइन खत्म हो गया था, यानी कि अब जूलिया जॉर्ज की कॉन्शियसनेस से कभी बात ही नहीं कर पाएगी। और इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दरअसल इस कहानी की वजह से हमें वो टाइम दिखाया जाता है जब इंसानों के मरने के बाद भी उनकी थॉट्स और कॉन्शियसनेस को स्टोर करके रखा जा सकता होगा, पर ये सारी चीजें जितनी सिंपल दिख रही थी उतनी थी नहीं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि सच में इससे मुझे काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए इसी तरह की मजेदार स्टोरीज ढूंढ ढूंढ कर लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी या।